हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो जैम की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए क्या कंसिस्टेंसी है जैम की, ये देखिए कितना स्प्रेडेबल है और बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ जैम बना है। आप इसे फ्रिज में 6 महीने से 1 साल तक इजीली रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए मैंगो जैम की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो आम लिया है, 2 तरह का आम लिया है। ये है गुलाब आम जो कि काफी मीठा होता है, और यहाँ पर दशहरी है, आप कोई भी 2 टाइप्स के आम ले लें। तो सबसे पहले हम इन आमों से प्यूरी बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आम को छील लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। मैंने आमों को अच्छे तरीके से धो लिया है पहले। देखिए इस आम का रंग बहुत अच्छा है, तो जैम बहुत अच्छा बनेगा। कोशिश करें कि रेशे वाला जो है आम ना हो, अगर आम रेशे वाला होगा तो जैम जो है उसमें रेशा आने का डर रहता है और फिर छरने का झंझट रहता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आम जो है वो बिना रेशे का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मैंने आम को छील लिया है। हम इस तरह से आम का पल्प अलग कर लेंगे। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं है, तो बहुत ही स्मूथ प्यूरी बनकर के रेडी होती है इससे, और जैम भी फिर बहुत अच्छा बनता है। मैंने यहाँ पर सभी आमों से पल्प निकाल लिया है। हम इसे मिक्सी के कप में डाल करके पीस लेंगे, जल्दी से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए मैं इसको सेम बाउल में निकाल रही हूँ, तो यहाँ 2 बार मैं पीसूंगी। मैंने आम को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया था। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बना है, तो ये बाकी काम भी इसी में डाल करके पीस लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए सारी प्यूरी रेडी है, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं डालेंगे। अगर आप पानी डाल देंगे तो ये बहुत ही जल्दी से खराब हो सकता है। मैं इसे मेजर करने के लिए इस बाउल में डाल रही हूँ, तो हम इसे कप से मेजर करके पैन में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, अब हम इसमें प्यूरी डालेंगे। 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप और ये 5 कप। तो यहाँ पर 5 कप मैंगो प्यूरी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करती है चीनी, तो मैं इसमें 3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। पहले 1 कप 2 कप और ये 3 कप, यहाँ पर लगभग 1/2 किलो के करीब चीनी है, तो आप 1/2 किलो से 600 ग्राम तक चीनी डाल सकते हैं इसमें। तो इसको हम अभी मिक्स करेंगे। चीनी ज्यादा डालने से ये जो जैम है वो काफी लंबे समय तक चलता है। अगर आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, 400 ग्राम भी डाल सकते हैं। पहले तो हम इसे चीनी घुलने तक पकाएंगे। आप बस इसमें नींबू और जो चीनी की क्वांटिटी मैं जितनी बता रही हूँ, अगर आप उतनी ही डालेंगे तो डेफिनेटली ये 1 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होता। फ्रिज में तो यकीन मानिए 1 साल से ज्यादा भी चलेगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है आप प्रिजर्वेटिव डालना चाहें, तो आप इसमें 2 चुटकी सोडियम बेंजोएट की ऐड कर दें, उससे ना तो टेस्ट बदलेगा और ये इजिली प्रिजर्व भी हो जाता है। आप देख सकते हैं चीनी पिघलने के बाद ये एकदम लिक्विड ही सा हो गया है। तो अभी हमें इसे कुक करना है, जब तक कि जैम की कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी हमें। तो मैं इसे 10 मिनट तक कुक करूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद ये इस तरह से बबल करने लगेगा। ये देखिए किस तरह से इसमें छींटे उठ रहे हैं। 2 से 3 मिनट इसे मैंने हाई फ्लेम पर पका लिया है। मैं इसका फ्लेम लो करके इसको ढक दूंगी ये 5 मिनट के लिए। तो इसे 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, तो चेक कर लेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है और ऊपर आपको हल्का हल्का इसमें झाग दिख रहा होगा, इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से पक रहा है ये। और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है ये प्यूरी जो हमने पीसा था, तो इसलिए मैंने इसे छाना भी नहीं, बस 1/2 कोई चंक दिख रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर एक छोटा सा चंक है मैंगो का। तो इसे आप स्पैचुला से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको अब हम फिर से ढक देंगे। तो ये देखिए इसे पकते हुए 5-7 मिनट और हो चुके हैं, और अब इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है और ये गाढ़ा होने लगा है। बस आप इसे लगातार चलाएं जरूर। ये देखिए जब हम इसे इससे चला रहे हैं तो ये देखिए इसे हल्का कोट कर रहा है, पूरी तरह से नीचे नहीं ड्रिप हो रहा है, तो इसका मतलब ये पहले से गाढ़ा हो चुका है। एक्चुअली जब भी हम कोई जैम बनाते हैं तो वो जब गर्म होता है तो वो काफी लिक्विडी लगता है, बट ठंडा होने के बाद वो थिक हो जाता है, क्योंकि शुगर जो है वो थोड़ा थोड़ा जमती है, जिसके कारण से ये गाढ़ा होने लगता है। तो एक बार हम इसका प्लेट टेस्ट कर लेंगे। तो प्लेट टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जैम लूंगी। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, हम इसमें ये जैम डाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए कुछ सेकंड ठंडा होने के बाद जब आप इसे टेढ़ा करेंगे, ये देखिए बहुत ज्यादा फ्लोई नहीं है और इसकी साइड्स पर आपको कोई पानी नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल थिक जैम सा ही टेक्सचर है। तो अभी इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए
3 से 4 मिनट कुक करने के बाद ये काफी थिक हो चुका है। हम इसको फिर से प्लेट में डाल करके एक बार चेक कर लेंगे। तो प्लेट बिल्कुल सूखी होनी चाहिए इसे चेक करने के लिए। तो ये देखिए, मैं इसको हल्का सा यहाँ पर प्लेट में डाल लूंगी। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं बह रहा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल सा हो गया है। तो ये लगभग रेडी है। तो अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि एक तो आम की जो मिठास है वो बैलेंस हो जाए और साथ ही जो शुगर हमने डाली थी और उसको पकाया है तो वो क्रिस्टलाइज ना हो, जमे ना, क्योंकि कई बार शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज होने लगती है, उससे मैंगो जैम का टेस्ट भी बिगड़ जाता है और क्रिस्टलाइज सा जैम अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल स्मूथ जैम अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का लेमन लिया है, इसको कट कर लेंगे। मैं इसका रस निकाल लूंगी कटोरी में अलग से। तो ये देखिए, ये लगभग 2 टीस्पून नींबू का रस है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नींबू का रस डालने के बाद हम सिर्फ एक बॉईल लगाएंगे, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि कई बार नींबू के रस डालने से के बाद पकाने से जैम जो है वो कड़वी हो जाती है। आप नींबू के रस की जगह आपके पास अगर सिट्रिक एसिड हो, 1/4 चम्मच आप सिट्रिक एसिड ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे ताकि मैं आपको इसका असली टेक्सचर दिखा सकूं। तो ये देखिए, जैम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और कितना गाढ़ा हो गया आप देख सकते हैं। ये देखिए, है ना बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे जैम की कंसिस्टेंसी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसको किसी बॉटल में भर लेंगे और यहाँ पर लिया है मैंने एक कांच का जार। जार को मैंने अच्छे तरीके से स्टरलाइज कर लिया था। इसको स्टरलाइज करने के लिए या तो आप गर्म पानी से धोने के बाद 2 दिन के लिए धूप में रख दे ताकि ड्राई भी हो जाए और स्टरलाइज भी हो जाए। तो जल्दी से हम ये जैम को इस जार में भर लेंगे। आप इस जैम का यूज कर सकते हैं केक्स में, पेस्ट्रीज में, आप इसे मैंगो क्रश की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको मैंगो की जरूरत हो। यहां पर 700 ग्राम का एक पूरा जार भर गया है। एक यहां पर मैं छोटा वाला जार भर लूंगी, इसको भी मैंने स्टरलाइज किया हुआ है। तो ये दूसरा जार भी मैंने भर लिया है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ जैम है वो मैं कटोरी में निकाल लूंगी। तो यहाँ 1.5 किलो आम से लगभग 1100 से 1200 ग्राम के करीब जो जैम है वो बनकर के रेडी हुआ है। आज की रेसिपी है प्लम जैम, यानी कि आलू बुखारे का जैम, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। ये थोड़ा सा खट्टा होता है और थोड़ा मीठा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ब्रेड का स्लाइस और इस पर अब हम जैम लगाएंगे। यकीन मानिए, जब आप इसे स्प्रेड करेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये बाजार का जैम है या घर पे बना है। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू बुखारे के जैम का टेक्सचर क्या है और ये ब्रेड पर या आप किसी भी तरह के डेजर्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। ये देसी क्वालिटी का आलू बुखारा है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पर मैंने लगभग 700 ग्राम आलू बुखारे लिए हैं। तो इनको पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने इन्हें सुखा लिया है थोड़ा। तो अब हम इनको कट करेंगे। बेसिकली हमें इनसे बीज अलग करने हैं। तो ये देखिए, हम इसको इस तरह से जब कट करेंगे, काफी जूसी फ्रूट है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसका सारा पल्प जो है वो अलग कर लूंगी और सीड्स अलग कर दूंगी। तो ये पल्प जो है साथ साथ हम इस मिक्सी के जार में डालते जाएंगे क्योंकि हम इसे पीस करके फिर जैम बनाएंगे। आप इस जैम को फ्रिज में साल भर तक या फिर बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर बिना प्रिजर्वेटिव्स के ही इसे बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रखूंगी। मैंने यहाँ पर सारे आलू बुखारों को इस तरह से कट करके इसमें डाल दिया है। तो अब हम इन्हें पीस लेंगे। जैम के लिए प्लम का प्यूरी रेडी है। अब हम जैम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें प्लम का यानी कि आलू बुखारे का जो हमने प्यूरी बनाया है इसको डाल देंगे। पकने के बाद इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। जैम वगैरह में चीनी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी डालूंगी। 1 कप और ये 1/2 कप। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो के लिए 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो पहले हम चीनी को घुल जाने देंगे। जैसे जैसे चीनी के साथ ये पकेगा इसका कलर चेंज होने लगेगा। पहले इसमें उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम सेट कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये ज्यादा खट्टा लगे तो 1/2 कप चीनी और ऐड कर दें। तो ये देखिए, इसमें उबाल आने लगा है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। देखिए, अभी ये सिर्फ पकना शुरू हुआ है और उसका कलर देख सकते हैं आप यहाँ पर सेंटर में, आपको इसका कलर दिख रहा होगा कि देखिए किस तरह से इसका कलर डार्क होने लगा है। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, और कलर इसका
कितना डार्क हो चुका है और अभी इस पर झाग नजर आ रहा है, धीरे धीरे ये झाग भी डिसअपीयर होने लगेगा। नहीं तो आप इसे अलग से इस तरह से निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो ये देखिए 5-7 मिनट और हो चुके हैं इसे पकते हुए, और आप देख सकते हैं ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये पहले से, और कलर इसका कितना डार्क हो गया है, जितना कैमरे में दिख रहा है उससे काफी ज्यादा डार्क है इसका कलर। तो इसका अब हम प्लेट टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पे झाग भी बहुत कम हो गई है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है इस तरह, और इस पर हम जैम की कुछ बूंदे डालेंगे और अब हम इसको टेढ़ा करेंगे। ये देखिए ये नीचे आ रही है, इसमें कोई पानी नहीं है, नीचे आ रहा है, बट अभी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और कुक करना है। ये देखिए जब हम इसे इधर की तरफ कुक करते हैं तो ये इधर की तरफ बहने लगता है, और जब इधर करते हैं तो इधर की तरफ। तो ये थोड़ा सा और हमें इसे कुक करना है, लगभग 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो कुल जो इसका कुकिंग टाइम है वो 15-20 मिनट है, तो थोड़ा सा और इसको हम पकने देंगे। तो मैं आपको 3-4 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और जैम अच्छे से कुक हो चुका है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो ये इस तरह से इसे कोट करने लगेगा। आप देखिए कितनी धीमी गति से नीचे बह रहा है, ये देखिए काफी ज्यादा फ्लोई नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी। तो दोबारा से इसका प्लेट टेस्ट करेंगे और इसे इस स्टेज पर लगातार चलाते रहें, वरना ये नीचे से लगने का डर रहता है। तो ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है और अब इसमें झाग भी नहीं दिख रहा है। अगर और कोई जैम होता तो हम इसमें नींबू का रस जरूर ऐड करते, बट जो आलू बुखारा है वो ऑलरेडी खट्टा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर नींबू का रस नहीं ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए प्लेट लेंगे और इसमें इस तरह से जैम डालेंगे। अब जैम जो है वो इस तरह बहुत ही धीरे धीरे बह रहा है, ये देखिए बिल्कुल थिक है ये जैम की कंसिस्टेंसी। तो ये बिल्कुल रेडी है, हम गैस बंद कर देंगे। और अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर सेफली रखना चाहते हैं 6-8 महीने के लिए, और आप ज्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, तो इतनी क्वांटिटी में 2 चुटकी सोडियम बेंजोएट, जी हाँ सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जरूर करें। है तो ये एक प्रिजर्वेटिव ही है, बट इसकी क्वांटिटी काफी कम डलती है और जैम इससे बिल्कुल भी खराब नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर भी। बस इस स्टेज पर डाल करके अच्छे से मिला दें और उसके बाद आप इसे किसी स्टरलाइज्ड बॉटल में शिफ्ट कर दें। तो मैं इसे ठंडा होने दूंगी जैम को, उसके बाद इसे शिफ्ट करूंगी। और ये देखिए हल्का सा ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, देखिए एक ही जगह पर जम गया है। और इसमें चीनी का क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कि चीनी नहीं जमेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी खटास है उसके कारण चीनी नहीं जमेगी। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये देखिए जैम पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल बाजार के जैम जैसी। तो मैं इसको अब जार में डाल लूंगी, और यहाँ पर लिए हैं मैंने ग्लास के जार। देखिए इसे स्टरलाइज करने के सबसे पहला तरीका है कि अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इस जार को 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, और दूसरा तरीका है तो 5 मिनट के लिए पानी को बॉयल होने दें और साथ में इसे डिप हुआ रहने दें, और उसके बाद इसे निकाल करके अच्छे से सुखा लें, और उसके बाद आप इसको जार को जैम या अचार स्टोर करने के लिए यूज करें। तो यहाँ पर ये जार जो है अच्छे से स्टरलाइज्ड है, तो मैं इसमें जैम भर लूंगी। और अगर आप गर्म जैम भरेंगे तो कई बार हो सकता है कि जो जार है उसमें स्टीम बन जाए, और स्टीम बनने के कारण जो है मॉइस्चर आ जाए और जैम खराब हो जाए। प्लीज जैम को पूरी तरह से ठंडा कर लें। आप इस जैम का यूज कर सकते हैं केक्स में, कपकेक्स में, ब्रेड जैम के लिए। विद परफेक्ट मेजरमेंट्स, यानी कि 750 ग्राम आलू बुखारा लिया था और यहाँ पर लगभग 700 ग्राम के करीब जैम जो है वो बन करके रेडी हुआ है, कि चीनी का वेट भी था और जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट उड़ जाता है, जिस वजह से ये जो जैम है उसकी क्वांटिटी इतनी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जो फीडबैक है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।